हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है मैं सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह जब उठी हैं तो सबसे पहले नाश्ता करना था, और मैंने यहाँ पे बनाया था जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट। और मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी से इसलिए बनाया था, जैसे कि आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन से पता चल ही गया होगा कि हमें जाना था कज़न की छोटी माइयों पर। और छोटी माइयों मैंने इसका टाइटल इसलिए लिखा है क्योंकि घर के करीबी लोग ही और रिश्तेदार ही जो हैं, बहुत ज़्यादा जो रिलेटिव करीबी हैं उनको बुलाया था, इस वजह से मैंने इस व्लॉग का नाम रखा था छोटी माइयों। और सुबह जो है नाश्ता बनाना था, लेकिन मैंने जो है स्लाइस वगैरह और जो एग्स वगैरह हैं सिर्फ उनको उन्हीं का नाश्ता किया था। सलमान मुझे कह रहे थे कि कोई पराठे वगैरह का नाश्ता हैवी कर लेते हैं, क्योंकि फिर जाहिर बात है तैयार होना था, बच्चों को तैयार करना था, तो मेरे लिए तो एक मतलब डबल ड्यूटी वाला हिसाब ही होता है। फिर ये था कि सलमान ने फिर मुझे खुद ही कह दिया था कि तुम कोई इजी सा ही नाश्ता बना दो, तो इस तरीके से फिर सलमान जो सलमान के लिए एग बनाया था जिस तरह वो हाफ़ फ्राई एग खाते हैं, और मैंने अपने लिए दूसरा फुल फ्राई एग जो था मैंने वो बनाया था, साथ में स्लाइस और साथ में चाय वगैरह बना ली थी मैंने। बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने होना था तैयार। और यहाँ मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि मैंने सारे ड्रेसेस निकाल लिए थे और उनको प्रेस वगैरह भी जो है मैंने किए थे। और यहाँ पे मैंने सोचा ये था कि बच्चों को ये ड्रेस पहनाऊँगी, लेकिन मुझे साथ ही साथ डाउट था क्योंकि जब बच्चों को पहनाया जाए कोई भी ड्रेस अपनी मर्ज़ी से हम पहनाते हैं, तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमें यहाँ से वो उसके साथ कोई चुभ रहा है, या हमें इस तरह के बच्चों के साथ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात बच्चों के जो होते हैं टैग्स वगैरह जो कपड़ों पर लगे होते हैं वो भी उनको जो है चुभ रहे होते हैं। तो इस वजह से भी मैंने ना मुसफ़िर और मिनसा ख़ास तौर पे इनके दो दो ड्रेसेस निकाल लिए थे कि इनमें से मैं कोई एक ड्रेस जो उसको सही लगेगा वो पहनाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह जो है वो भी प्रेस वगैरह करके, शर्ट वगैरह, और अपना ड्रेस भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो भी मैंने प्रेस करके रख दिए थे। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब भी आपको कहीं जाना होता है उसी दिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करना होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उसी दिन, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं बच्चे। और ये शुक्र है कि मैंने जो है नाश्ता वगैरह बनाया, और जो खाना वगैरह है वो मेरी सास ने भी कह दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, और जो पड़ा हुआ है या मैं खुद बना लूँगी कोई इशू नहीं है, बस तुम जो है बच्चों की तैयारी और अपनी तैयारी पे ध्यान दो। तो उसके बाद ही मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और प्रेस भी कर लिए थे। और इसी तरह ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने पिछले साल स्टिच करवाया था, पेपलम शेप में मैंने इसका जो है डिज़ाइन रखवाया था, और इसके ऊपर नेट के ऊपर काम हुआ हुआ था, सीक्वेंस और इस तरीके से वर्क हुआ हुआ था, थ्रेड का मिक्सचर हुआ हुआ था, वर्क हुआ हुआ था। और साथ ही साथ में मैंने जो है मिनसा के तीन ड्रेस जो है निकाल लिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये मिनसा ने ब्लू वाला पहनना, ब्लैक वाला पहनना, लेकिन ना उसने ब्लैक वाला पहना ना उसने ब्लू वाला पहना, इसलिए इसके अलावा भी मैंने उसका एक और फ्रॉक जो था वो निकाल के रखा हुआ था। और साथ ही साथ में ये मैं आपको बताती चलूं कि इतनी ज़्यादा मसरूफियात थी कि मैं जो है व्लॉग बना के भी जो है अपलोड नहीं कर सकी, और इस वजह से मुझे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, और जिस तरह बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुल गए हैं वो भी साथ साथ था, और बच्चों की तबीयत क्योंकि आपको पता है मौसम की चेंजेस हैं तो बच्चों की तबीयत वगैरह भी काफ़ी अपसेट हो रही थी। और यहाँ पे फिर जो मैं अपना ड्रेस है उसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ आपको, और वो ये मैंने फ्लैट जो है अपने सैंडल्स पहने थे, और साथ ही साथ में मैंने जो है अपना पेपलम वाला पहना है ये वाला जिस पे वर्क हुआ हुआ था फ्रॉक, और मैंने यहाँ पे फिर अपना ये जो पेपलम फ्रॉक है ये पहना। और इसके साथ एक्चुअली नीचे जो है ना वो ट्यूलिप पैंट्स, पिछले ईयर बहुत ज़्यादा उसका फैशन चला था ट्यूलिप पैंट्स का, तो मैंने इसके साथ ना डल गोल्ड कलर में ट्यूलिप पैंट भी स्टिच करवाई हुई थी, लेकिन मैंने वो इसके साथ नहीं पहनी। मेरा एक और वेलवेट का फ्रॉक था उसके साथ नीचे ना चूड़ीदार पजामा था, तो मैंने ना ये वाला चूड़ीदार पजामा इसके साथ मैच करके पहना, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैच भी हो गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने इस तरीके से ये वाला ड्रेस अपना प्रिपेयर किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी। और साथ ही साथ फिर मुस्फरा की भी फाइनल लुक, मुस्फरा ने शुक्र अल्लाह का बेल बॉटम जो मैंने इसका आउटफिटर से लिया था वो पहना के उसके ऊपर फैंसी से जो शर्ट है वो पहना दी थी, और मिनसा ने तो दो तीन दफ़ा चेंज करने के बाद फाइनली मिनसा ने
पुराना अपना एक फ्रॉक था उसका, वो ही पहना। और इसी तरह फिर हम लोग आ गए थे मामू के घर, और छोटी माइयों का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुका था, का जो करीबी रिलेटिव्स हैं वो सारे आए हुए थे, हल्ला गुल्ला हो रहा था। और शादी वाला घर होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि शादी वाले घर में कितने ज़्यादा काम होते हैं, शादी वाले घर में लोग जो होते हैं वो इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनको और भी काफ़ी काम करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। और उन्होंने फिर भी घर में जो दूल्हे की जो बहनें हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट वगैरह किया हुआ था, क्योंकि छोटी माइयों का फंक्शन था इसलिए बहुत ज़्यादा सिंपल ही फंक्शन था। और यहाँ पे हमने बहुत सारे ड्रेसेस देखे जो कि कुछ दुल्हन के थे और कुछ उनके अपने घर वालों के थे, दूल्हे की बहनों के थे। और माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे ड्रेसेस थे और बहुत अच्छी तैयारी इन्होंने की हुई थी। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग आए हुए थे इस हल्ले गुल्ले की वजह से, प्रॉपर तरीके से जो है ड्रेसेस वगैरह वो नहीं देख सके क्योंकि इतना रश था, सारे देख रहे थे। और जो ड्रेसेस अनस्टिच थे वो भी मैंने देखे, और जो स्टिच थे वो भी देखे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो अभी रेडी नहीं हुई थीं, क्योंकि आप सबको पता है कि शादी वाला घर जो होता है और उनकी तैयारियां किस तरीके से होती हैं और किस तरीके से उनकी मसरूफियात होती हैं, और हर एक फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना एक बहुत बड़ी भी मतलब एक जिम्मेदारी के साथ एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ ड्रेसेस हो गए थे कंप्लीट, कुछ नहीं हुए थे, तो मिला जुला सारा जो है चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों यही कहेंगे कि माशाल्लाह से जो भी तैयारी उन्होंने की थी बहुत अच्छी थी। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर शादीशुदा जोड़े को और जो न्यूली वेडिंग कपल हैं और इसके अलावा जिन लोगों की भी शादी होनी है, अल्लाह ताला सब की ज़िंदगी आसान करे और सबको खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि उन्होंने तैयारी की हुई थी, जिसमें ज्वेलरी शामिल थी, बैग्स शामिल थे। और आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे ये एक ट्रेंड है कि जब नई शादी होती है तो कितना कुछ मिलता है, और हर एक को मिलता है, ज़ाहरी बात है, ज्वेलरी, कपड़े और शूज़ वगैरह इतना कुछ मिलता है। और साथ ही साथ में जो जो चीज़ें उन्होंने ली थी, सबकी चीज़ें थी शामिल। और मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मुझसे जिस तरह भी हुआ, जो भी हुआ, मैंने सिर्फ मेरी एक्चुअली सिर्फ यही कोशिश थी कि मैं आपसे लोगों से शेयर करूं कि ये चीज़ें हैं। और सब कुछ माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा था। इसके बाद फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें देखने के बाद जो है रस्म होती है, और हमारे यहाँ जो ये रिवाज पाया जाता है कि एक रस्म होती है छोटी माइयों की, और उसमें जो है दूल्हा है वो उसको लेकर आती हैं दूल्हे की बहनें और भाभियाँ वगैरह जो होती हैं। और फिर हम भी इसी तरीके से दूल्हे को लेकर आए और उसको चेयर पे बिठाया, और फिर जो है रस्म जो है छोटी माइयों की वो स्टार्ट की। और फिर इस तरीके से जो है दूल्हे को लेकर आए, और जो दुपट्टा था जो दूल्हे के ऊपर, वो मेरी अम्मी का था। अम्मी ने जो है मुल्तानी कढ़ाई वाला दुपट्टा जो था, आजकल बड़े चल रहे थे, ट्रेंड में थे, तो वो अम्मी ने लिया हुआ था। तो एक और दुपट्टा था, लेकिन उससे बेहतर ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसके कलर्स भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो फिर सबने कहा कि आप अपना दुपट्टा दें, और उसी जो है दुपट्टे के जो नीचे दुपट्टे के साए तले एक, क्योंकि रस्म होती है वो अदा करनी होती है। और फिर इसी तरीके से ये रस्म बड़े से शुरू होती है, और सबसे पहले जो है दूल्हे ने भी बड़े बड़े जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं उनसे प्यार वगैरह और दुआएं ली, और उनसे जो है शुरुआत की इस रस्म की, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इस रस्म के बाद सब लोगों ने जब रस्म अदा कर ली थी, तो उसके बाद फंक्शन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर जो है दूल्हा और जो बाकी कज़न्स वगैरह हैं उन्होंने मिल के जो एक होता है एक ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं डांस वगैरह, वो उन्होंने किया और खुशी का इजहार किया।
खाने की बारी आई, और मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बार ये शेयर कर ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ खाने को वेस्ट ना करें, खाना सिर्फ इतना ही डालें जितना कि आप लोगों ने खाना हो, क्योंकि एक शादी का खाना हर एक को अच्छा लगता है, देख वगैरह का बना हुआ होता है, लेकिन जो है लेकिन हम लोगों को वेस्ट करने से बचना चाहिए, ठीक है। इसलिए प्लीज़ शादी का खाना उतना ही डालें जितना आप लोगों ने खाना है। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो इतना डाल लेते हैं और फिर बाद में वेस्ट होता है सारा। और इसके बाद लड़कियों का फंक्शन स्टार्ट हुआ जिसमें लड़कियां ढोलकी बजाती हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि ये एक स्पेशल गर्ल्स की होती है, क्योंकि बॉयज़ का फंक्शन थोड़ा सा हो गया था, अब गर्ल्स की बारी थी, तो हम लोगों ने फिर गर्ल्स का फंक्शन किया अलग से। और हमारे यहाँ इसी तरह ही होता है, लड़कियाँ अलग से ढोलकी बजाती हैं। और इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।